नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है बुजुर्गों का समय चाहिए। छोटे ने कहा, भैया दादी कई बार कह चुकी है, कभी मुझे भी अपने साथ होटल ले जाया करो। गौरव बोला, ले तो जाए पर चार लोगों के खाने पर कितना खर्च होगा। याद है पिछली बार जब हम तीनों ने डिनर लिया था तब 1600 का बिल आया था हमारे पास, अब इतने पैसे कहाँ बचे हैं? पिंकी ने बताया, मेरे पास पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हुए हैं। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार दादी को भी लेकर चलेंगे, पर उस बार महंगी पनीर की सब्जी की जगह मिक्स वेज मंगवाएगी और आइसक्रीम भी नहीं खाएगी। छोटू, गौरव और पिंकी तीनों दादी के कमरे में गए और बोले, दादी इस संडे को लंच बाहर ले गए, चलोगी हमारे साथ? दादी ने खुश होकर कहा, तुम ले चलोगे तो अपने साथ? हाँ दादी। संडे को दादी सुबह से ही बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपना सबसे बढ़िया वाला सूट पहना, हल्का सा मेकअप किया, बालों को एक नए ढंग से बांधा, आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नया चश्मा लगाया। यह चश्मा उनका मझला बेटा बनवा कर ले गया था जब वह पिछली बार लंदन से आया था, किंतु वह उसे पहनती नहीं थी। कहती थी कि इतना सुंदर फ्रेम है, पहनूंगी तो पुराना हो जाएगा। आज दादी शीशे में खुद को अलग अलग एंगल से कई बार देख चुकी थी और संतुष्ट थी। बच्चे दादी को बुलाने के आए तो पिंकी बोली, अरे वाह दादी, आज तो आप बड़ी क्यूट लग रही है। गौरव ने कहा, आज तो दादी ने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहना है, क्या बात है। दादी की वीआई ब्रांड को भी बुला रखा है क्या? दादी समा कर बोली, दत्त होटल में सेंटर के टेबल पर चारों बैठ गई। थोड़ी देर बाद वेटर आया, बोला, ऑर्डर प्लेज। सभी गौरव बोलने ही वाला था कि दादी बोली, आज ऑर्डर मैं करूंगी क्योंकि आज की स्पेशल गेस्ट मैं हूँ। दादी ने लिखवाया दाल मक्खनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, रायता वेजिटेबल वाला सलाद, पापड़, नान बटर वाली और मिशी रोटी। हाँ, खाने से पहले चार सूप भी। तीनों बच्चे एक दूसरे को मुंह देख रहे थे। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग गया। खाना टेस्टी था। जब सब खाने चुके तो वेटर फिर आया डेजर्ट में कुछ सर। दादी ने कहा, हाँ चार कप आइसक्रीम। तीनों बच्चों की हालत खराब, अब क्या होगा? दादी को मना भी नहीं कर सकते कि पहली बार आई। बिल आया उससे पहले गौरव उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। बिल दादी ने उठा लिया और कहा, हाथ का पेमेंट मैं करूंगी। बच्चों मुझे तुम्हारा पर्स की नहीं तुम्हारी समय की आवश्यकता है, तुम्हारी कंपनी की आवश्यकता है। मैं पूरा दिन अपने कमरे में अकेली पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। टीवी भी कितनी देखूं, मोबाइल भी चैटिंग कितना करूं। बोलो बच्चा, क्या अपना थोड़ा सा समय मुझे दोगे? कहते कहते दादी की आवाज बढ़ा गई। पिंकी अपने चेयर के उठे उठी, उससे दादी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दादी को गालों पर किस करते हुए बोली, मेरी प्यारी दादी। जरूर, गौरव ने कहा, यस दादी, हम प्रॉमिस करते हैं कि रोज आपके पास बैठा करतेंगे और तय रहा कि दर महीने के
सेकंड संडे को लंच या डिनर के लिए बाहर आया करेंगे और पिक्चर भी देखा करेंगे। दादी को होठों पर 1000 वाट की मुस्कुराहट तैर गई, आंखों में फ्लैश लाइट भी चमक आ गई और चेहरे की चूड़िया खुशी के कारण नृत्य सा करती महसूस होने लगी। बूढ़े माँ बाप रुए गए गठठर समान होते, शुरू में उसका बोझ नहीं महसूस होता, लेकिन बढ़ती उम्र में साथ रुई भी कर बोझिंग होने लगती है। बुजुर्ग समय चाहते है, पैसा नहीं, पैसा तो उन्होंने सारी जिंदगी आपने के लिए कमाया कि बुढ़ापे में आप उन्हें समय देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।